दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सर जी के साथ आप दूसरा वीडियो है, एक पहला वीडियो बना दिया था। आज कौन सा दिन है सर जी आपका? आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन एक और वीडियो डाल रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और रेड बटन बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे। ठीक, ये ठीक हो गया। ये देखो न्यूट्रल है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? ये अगर स्पेस ज़्यादा है तो न्यूट्रल, और जब गियर में ये देखो थर्ड गियर पड़ गया, ये स्पेस ख़त्म। सबसे अच्छी पहचान यही है और कोई पहचान नहीं। किसी न्यूट्रल यहाँ होता, किसी यहाँ होता, किसी यहाँ होता, ठीक है। और जो ख़राब गाड़ियाँ होती हैं उसमें कहो ऐसा पड़ा हो तब भी न्यूट्रल हो, ठीक है। ये खांचे घिस जाते हैं पुरानी गाड़ियाँ, ठीक है। अब आप चालू करो, क्या करोगे चालू करने के लिए? सबसे हाँ, क्लच पूरी दबाओगे, गाड़ी चालू करोगे। और घुमाओ चाबी, और घुमाओ, बस चालू हो गए, छोड़ दो। अब क्या करोगे? पहले गियर डालोगे, फिर एक पैर राइट वाला आपका ब्रेक पे है, हाँ ठीक। सामने देखो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, हाफ क्लच में गाड़ी उठाते हैं। देखो आगे गाड़ी है, और काट लो राइट वाले मिरर में देखते हुए, हाँ सीधे कर लो, बढ़ गई गाड़ी होगी। क्लच छोड़ दो, नज़र सामने रखो, हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ, एकदम बिंदास चलाओ जैसे सब चलाते हैं। ये समझ के चलाओ कि आप गाड़ी सीख चुके हो, बस हाथ साफ कर रहे हो। ये सेकेंड गियर की स्पीड है, सेकेंड गियर डाल लो। मेरी तरफ दबा, गलत पड़ गया गियर आपका, सही करो मेरी तरफ, हाँ ये ठीक। छोड़ो क्लच, सामने देखो आराम से, पहले पूरी क्लच छोड़ेंगे फिर रेस लेंगे। पूरी क्लच छोड़ो, और छोड़ो क्लच, पैर हटा दो क्लच से, कर गया, अब रेस लो, चलते रहो और आराम से चलो, और आराम से दोनों तरफ देख के। आराम दे इनको, सामने चलना है आज आपको, ठीक है। एक पैर ब्रेक पे रखो, ये चौराहा पार करने में रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। रख लिए, चलने दो ऐसे, टारगेट देखो जाना कहाँ है, जितना दूर देख के चलाओगे, स्टेयरिंग छोड़ने की जरूरत है नहीं इतनी काटने में। ये देखो जितना दूर देखोगे उतना अच्छा चला लोगे गाड़ी। देखो स्टेयरिंग सीधी करो, वहीं पकड़ो जहाँ पकड़े थे। ये देखो स्टेयरिंग देख के नहीं मोड़नी है, रोड पे देख के मोड़नी है, चलते रहो। हो गया, बढ़ा लो स्पीड, देखो मिरर में गाड़ी आ रही, आपसे स्पीड तेज है, साइड भी मांग रही, हल्की सी काट लो ऐसे, बस हो गई साइड, चलते रहो बढ़ाओ। अब आपको उधर जाने की जरूरत नहीं जब तक किसी को ओवरटेक ना करना पड़े, ठीक है। और उतनी काटनी जितने से आप निकाल लो गाड़ी, हॉर्न दे इनको, देखो मोड़ते कैसे हैं गाड़ी, हर मोड़ पे एक कार्नर होता है, जैसे ऐसे रोड जाके ऐसे मुड़ी तो ये कार्नर हो गया, और आपकी गाड़ी में भी कार्नर होता है, ये देखो है ये कार्नर, तो जब उस कार्नर को, मोड़ वाले कार्नर को ये कार्नर पार कर जाए तब आप स्टीयरिंग घुमाना शुरू करेंगे। यहाँ से लेफ्ट चलना, इंडिकेटर दे दो, लेफ्ट मतलब ऊपर ऊपर इंडिकेटर, एक पैर ब्रेक पे रखो जहाँ भी रिक्स वाली। अब देखो ये कार्नर है, ये कार्नर जब उस कार्नर को पार कर जाए, अब पार कर गया, काट लो पूरी जड़ाम से गाड़ी। ये देखो पूरी रोड है भाई, अब उसी हिसाब से सीधी करो, अब आप रेस ले सकते हो, ठीक है। जितनी अच्छी आपको ब्रेक लगानी आ जाएगी उतनी अच्छे से गाड़ी चला लोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देव आनंद देव, हाँ
नजर सामने, नजर सामने। यहाँ भी ब्रेक लिफ्ट करना है? बिल्कुल, अगर आपको बस छोड़ दो, अगर यहाँ पे बाइक लिए होते तो क्या करते? हल्का सा ब्रेक लेते ना, बस वही यहाँ करना है। बाइक की तरह ही चलानी है आपको, प्रोसेस सब वही है, बस बाइक में एकदम अलर्ट होके बैठना पड़ता। हल्का सा आलस किया तो आप गिर सकते हो, इसमें बिल्कुल आप जैसे घर में सोफे बैठे हो ऐसे बैठ के अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, सीट एडजस्ट कर ली, स्टेयरिंग समझ ली, बस चलाने लगे। लोग 500-500 किलोमीटर एक लगातार दिल्ली यहीं से स्टार्ट करते, दिल्ली में खड़ी करते हैं जाके, थकते भी नहीं है, इसीलिए नहीं थकते क्योंकि एकदम आराम से बैठ के यहाँ इसमें चला सकते हो गाड़ी। अब देखो सामने आपकी गाय पड़ रही है, हल्की सी यहीं से पुश कर लियोगे स्टेयरिंग तो आप आराम से निकाल लियोगे। निकाल लिए, अब बढ़ाओ, इतनी दूर देखो कम से कम। अब देखो वैगनआर खड़ी ऐसे सीधे सामने है, अब मान लो यहाँ से आप नहीं पुश करते हो, चलते रहो चलते रहो, अब आपने अचानक देखी सामने गाड़ी आ गई इतनी दूरी, तो कितनी स्टेयरिंग काटनी पड़ेगी? इतनी ज़्यादा काटनी पड़ेगी, ठीक है। और जब इतनी काटोगे तो गाड़ी लहरेगी एकदम इधर से इधर आएगी, पीछे से कोई निकल रहा होगा आपको ओवरटेक कर रहा होगा तो उसके गाड़ी छू सकती है ना, भिड़ सकती है आपस में गाड़ी, एक्सीडेंट हो सकता है स्पीड में हुए तो। इसलिए दूर देखो और हल्की काटो, पीछे वाला समझ जाए गाड़ी धीरे धीरे टर्न हो रही। यहाँ से फिर टर्न होना, देव इंडिकेटर लेफ्ट को, लेफ्ट को, इंडिकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर, रोको ये क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, आप हड़बड़ा गए। ये टर्न होना है लेफ्ट को, देव इंडिकेटर लेफ्ट मतलब ऊपर कर दिया, राइट मतलब नीचे, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर डालो। क्या लिखा है? 70-80 ब्रेक पे पैर रखो, आराम से। हाँ देखो यहाँ से देखो आगे से लेफ्ट टर्न करना है, और स्लो चलो, और स्लो देखो गाड़ी कहाँ जा रही, ठीक है। और उस तरफ से कौन आ रहा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्लाइंड टर्न। यहाँ अलर्ट आ जाता हो हॉर्न दे एक बार, इससे उधर से कोई आ रहा हो तो समझ जाए कि इधर से गाड़ी है। ये इस पहिए पे आपको गड्ढा पड़ रहा है, बचाओ गड्ढा, ये ठीक, ये भी बचाओ। रोड देखो, रोड देखो, यहाँ नहीं बच पाएगा इतना भारी है, तो जहाँ गड्ढा लगे नहीं बच पाएगा वहाँ स्लो करके निकालो। ये जो साइकिल जहाँ से निकली है बर्रा चार की तरफ चलना है हम लोगों को, दे दो अभी से इंडिकेटर, आराम से हड़बड़ाना नहीं, नीचे दो इंडिकेटर राइट को। हाँ ठीक ठीक है, और ये हल्की सी चढ़ाई भी है, छोटी सी पुलिया है ना जिससे हम लोग पार करेंगे, तो चलो और आराम से। हो सकता है यहाँ हल्की रेस लेनी पड़े, लेकिन उतनी लेना जितने रेस मेंटेन रहे, ये नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए, ठीक है। ये रेस छोड़ दो, आराम से चलो, हो गया। और जब ढाल होती है तो वहाँ हल्की ब्रेक लगानी पड़ सकती है, तो ढाल में स्पीड बढ़ेगी चढ़ाई में घटेगी। और बढ़ाओ, देखो ये दोनों रोड क्रॉस करके हम लोगों को सीधा पार होना है, बर्रा छः की तरफ चलना है, बर्रा छः जो सब्जी मंडी लगती है उस रोड पे चलना है। दोनों तरफ देख लेना है, ब्रेक पे पैर रखना है, बस इसी स्पीड में आराम से। हाँ ठीक है, ब्रेक पे पैर रख लिए, गाड़ी अपने आप इसी स्पीड में निकल जाएगी। हाँ बस बस, आप आगे ज़्यादातर आगे देखो, देखो हम नहीं पड़ रही आगे, काटो अपनी तरफ। हाँ ब्रेक पे पैर रखे हो, हॉर्न दे एक बार, निकल गए, सीधे चलो।
देखो सामने से बस आ रही, आप उतनी काटना जितनी साइड आपके पास है, इससे ज्यादा आप नहीं काट सकते, उसको काटने दो, ठीक है। आप चलते रहो सीधा, ये चलो, अब ये बछड़ा नहीं हटेगा, कुछ खा रहा है, आप समझो किधर से निकालना ठीक रहेगा। रुको देखो बछड़ा जा रहा, ब्रेक पे पैर रखो, जाने दो, बस जाने दो, जाने दो, हो गया, चलो छोड़ो ब्रेक, देखो काटो, बचाओ, और काटो, और काटो, ये बिना छोड़े स्टेरिंग काटे, यही चीज हम बता रहे थे, फिर सीधी कर लो, ये ऐसे स्टेरिंग काटनी है, स्टेरिंग समझ गया, समझो 40% गाड़ी चलानी आ गई आपको, ये कूड़ा बचाओ, ये नहीं बच पाएगा कूड़ा, इसको बीच से निकाल लो, दोनों पहियों के बीच से इस कूड़े निकालो, देखो आगे गाड़ी देखो कहाँ जा रही है, और बढ़ाओ, बस 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 चलो, देखो एक कुत्ता इधर बैठा है, एक इधर, दोनों नहीं हटेंगे, आपको दोनों बीच से निकालना, ब्रेक पे पैर रख लो और आराम से निकालो, निकल गए, देखो हटे कहीं, चलो और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, सामने देखो सीधी जाएगी तो भैया को आराम दो, बढ़ाओ, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न करना आपको, आराम से पूरी मोड़ लो, सीधी करो, बड़ा हो गया, स्टीयरिंग बराबर पकड़ो, अब यहाँ सन्नाटा है, बढ़ा लो, देखो सामने, देखो सामने, बस आप नहीं काटोगे, उनके पास साइड है, वो खुद ही साइड देंगे, ठीक है, यहाँ ट्रक के पास भी साइड है, आप इससे ज़्यादा काटोगे तो आपके यहाँ एक पहिया फुटपाथ पे चला जाएगा, यहाँ तो फुटपाथ ठीक है, कहीं कहीं रोड के जस्ट बाद नाली होती है, देखो कुत्ता बचाओ, बड़ा, यहाँ से फिर किधर चलना है, लेफ्ट चलना है, चलो बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, इंडिकेटर ब्रेक पे पैर रखे, आराम से गाड़ी अपनी साइड रहे, मोड़ो मोड़ो, आप मोड़ो आराम से, ब्रेक से पैर नहीं हटाना है, अब बढ़ा सकते हो, देखो रोड बड़ा, इससे पीछे ट्रैक्टर आ रहा, इसको साइड नहीं देनी है, साइड देने मतलब आपको इतनी स्लो नहीं करनी कि उसको साइड देनी पड़े, बढ़ाओ, देखो शीशे में आ रहा, मिरर में देखो, हाँ चलते रहो, हाँ चलते रहो, पर रहना एक ही साइड में, देखो रोड, रोड देखो, रोड देखो, रोड देखो, एक साइड पकड़ के चलो, हाँ चलते रहो, चलते रहो, चलो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, आप अपनी स्पीड लिए रहो, आप साइड में हो, जिसको जल्दी है उस सर से निकल जाएगा, ठीक है, चलते रहो, देव इंडिकेटर आप भी, आपको वही रोकनी जहाँ पे, और मेरी तरफ दाब लो, और दाब लो, और दाब लो, क्लच दबाओ पूरा, चलने दो, धीरे धीरे ब्रेक लगा लो, ठीक, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करके ऐसे चेक कर लिया करो, ये गियर में है, न्यूट्रल करो फिर चेक करो, अब लग रहा हो गई न्यूट्रल, ठीक है, इंडिकेटर बंद करो, गाड़ी बंद करो, अब बताओ, परसों से कल ठीक रहा, कल से आज ठीक रहा, ऐसे धीरे धीरे आता है, ये समझो बेसिक तो कंप्लीट हो गया आपका, है ना, अब बताओ सीखते समय कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो आप पूछना चाह रहे हो ना पूछ पाए हो? नहीं बस वही अभी जो है हमने महसूस किया कि जैसे रोकनी है, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा हड़बड़ाहट होने लगेगी, मान लीजिए पैर, हाँ, ब्रेक, मतलब पता तो है ना कैसे रोकना है, है ना, हड़बड़ाहट निकल जाएगी धीरे धीरे, तीसरे दिन तो है, सीट बेल्ट निकालो,
अब गाड़ी से उतरने के लिए सीट पीछे करो, आराम से उतर पाओगे। ये अब देखो उतर, गेट भी खोलने का तरीका होता है, ठीक है। अगर आप राइट साइड से उतर रहे हैं, ठीक है भाई, स्टेयरिंग पे बैठे होंगे तो राइट से उतरेंगे तो लेफ्ट से गेट खोलेंगे, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, लेफ्ट हाथ से खोलो। अब देखो जब आप ऐसे खोले तो आप ऐसे से अपने आप मूव हो गए। अब जब मूव हो गए तो पीछे दिख जाएगा, क्योंकि वो देख रहा गाड़ी खड़ी, उस हिसाब से अपना निकल रहा होगा। आपने अचानक गेट खोल दिया, और जब लेफ्ट से उतरेंगे तो राइट से गेट खोलेंगे। ऐसे खोले, ये आ गए, अपने आप मूव हो गए, पीछे दिख गया, क्या है, है ना। गेट खोलने से पहले पीछे जरूर देखना चाहिए। अब उतरो,